के रविंद्र भवन सभागार में जो नुनिया भीम बेलदार समुदाय का याचना नहिरन महापंचायत बुलाया गया है, इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य यह है कि जे इस समुदाय के हमारे पूर्वजों ने 70 के दशक में अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण की लड़ाई शुरू की गई थी कि उनके द्वारा कि जे बिहार प्रदेश में नुनिया भीम बेलदार समुदाय को और इसकी और भी जितनी उपजातियाँ हैं उनको अनुसूचित जनजाति एसटी की सुविधा दी जाए। वो लड़ते लड़ते में हमारे बहुत से पूर्वज आज के डेट में इस दुनिया में भी नहीं है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहते हैं कि जे उनके बाद की पीढ़ी अब ठानी है श्री बच्चू प्रसाद बीरू के नेतृत्व में, पूरा बिहार इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और एक लंबी लड़ाई होगी जो चरणबद्ध तरीकों से टाइम टू टाइम लड़ा जाएगा। इसी का दूसरा अभी हमारा कार्यक्रम जो है वो 12 मार्च को गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से चलकर दांडी। 12 मार्च को नमक कानून किसके लिए था, नुनिया समाज पे नमक कानून लादा गया था जो अंग्रेजों के द्वारा, उसको तोड़ने के लिए जब गांधी ने कमर कसी तो नुनिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नमक कानून तोड़वा करके देश को आजादी दिलाई। उस दिन उस शुभ दिन को हम लोग एक दांडी यात्रा पटना में निकालने का विचार है, वो दांडी यात्रा भी निकाली जाएगी। इसी में महारैली बेलन महिलाओं का एक रैली होगा, जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम है, बहुत लंबी लड़ाई है जब तक हमें आरक्षण का अधिकार। सरकार से आपसे बात हुई आप लोग के संगठन से या नहीं हुई है, अगर बात हुई है तो क्या वहाँ से आप लोग? सरकार ने काम किया है इस पे, सरकार ने जो काम किया यहाँ से अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान से लाखों रुपया लगा करके उसने भारत सरकार को भेजा, वहाँ से एक चिट्ठी आई कि जे इसको इसमें और कुछ मेन बात यह है कि जे हम भारत सरकार के मकर जाल में और लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा अनुसूचित जनजाति आयोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरह से सरकार ने यहाँ के गोंड को लोहार को तांती ततवा को खड़वार को किया उसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल करके और बिहार प्रदेश में ही इस आरक्षण को लागू करे, क्योंकि बिहार के कैबिनेट ने माना है श्री नीतीश कुमार जी के कि नुनिया और खड़िया एक ही है, तो नुनिया खड़िया जब एक ही है तो 1956 के भारत सरकार के गजट के अनुसार यहाँ बिहार के प्रत्येक जिलों में उसको अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया, लिस्टेड किया गया है। तो जब आप सरकार मानती है, कैबिनेट मानता है कि नुनिया और खड़िया एक ही हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल करके हमारे इस मामला का समाधान कीजिए और हमें खड़िया अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं लागू कर दीजिए। सरकार बातें नहीं मानती तो आगे क्या? तो यहाँ जो समाज के नेता है, 2 दिन की महापंचायत है, उसमें निर्णय होगा कि जो लंबी लड़ाई है चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे कब कब शामिल करने के लिए और उसे जो भी सरकारें आई लंबित रखी, फाइलों में उठा कर रखी और यही रहा कि मैंने फाइलें जाती हैं और आती नहीं, कुछ हुआ नहीं। आज हम लोग अब चाह रहे हैं कि एसटी की सुविधा हम लोगों को राज्य सरकार दे, और अगर नहीं दिया राज्य सरकार ने तो हम लोग नोटा दबाने का काम करेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे। अभी अभी हम लोग महापंचायत कर रहे हैं, 12 मार्च को हम लोग नंदी यात्रा निकालेंगे और महाधरना देंगे। 12 मार्च के बाद हम लोग 100 दिनों का महाधरना के बाद हम लोग पुनः सभी MP और MLA को घेराव करेंगे। सभी MP और MLA के घेराव के बाद हम लोग गांधी मैदान में बिरला रैली करेंगे। गांधी मैदान में बिरला रैली के बाद हम लोग सभी सरकार के सभी गांवों में हम लोग जो है सो कि उसका पुतला दहन करेंगे। क्या मांगे आपका है सरकार से? अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग है, ये अस्पष्ट है, उसको हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार पहले यहाँ सुविधा दे और उसके बाद हमारे फाइल को दिल्ली सरकार को दे। सरकार से आपसे बात हुई है, इस तरह का प्रपोजल सरकार के पास भेजा है, क्या वहाँ से आश्वासन या कुछ मिला? वहाँ से कभी आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को कि हम लोग करते हैं। आश्वासन यही होता है कि रिकमेंड करके फाइल हम लोग जो बढ़ाते हैं भेज दिया जाता है, फाइलों में उलझा हुआ है यह समाज। तो जमीन स्तर पर कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अगर आज की सरकार बातें नहीं मानती हैं तो क्या आगे स्टेप आप लोग? बस वही कहा ना, नोटा दबा दिया, हमारे समाज के जहाँ जो है सब उम्मीदवार होंगे वहाँ छोड़ेंगे हम लोग, बाकी जगह पर नोटा प्रयोग करेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे। परिषद बच्चू प्रसाद।